यादव रॉकर शॉट फटाफट चैनल से। दोस्तों आज आपसे एक नए यूट्यूबर के तौर पर मैं अपनी एक प्रॉब्लम एक परेशानी शेयर करना चाहता हूँ, जो दरअसल हर नए यूट्यूबर को फेस करनी पड़ती है। और वो उस प्रॉब्लम का उस परेशानी का नाम है कॉपीराइट स्ट्राइक। देखिए क्या होता है कि हम जैसे नए यूट्यूबर्स जिनको वीडियोस बनाते हुए कुछ 15-20 दिन या महीना हुआ है, तो प्रॉब्लम यह होता है कि ज़्यादा यूट्यूब के नियम अनुसार काम करना, इसका ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि नए नए जॉइन हुए होते हैं, नया नया चैनल होता है, और सिर्फ सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर होता है कि कैसे वीडियोस अच्छे अच्छे बनाए जाएं और कैसे सब्सक्राइबर्स बनाए जाएं, कैसे व्यूज़ लाए जाएं अपने वीडियोस पर, इस बात पर इस तरफ ज़्यादा ध्यान होता है यूट्यूबर्स का। लेकिन इस परेशानी से ज़्यादा सामना होता भी नहीं है और ध्यान भी होता नहीं है, कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में ज़्यादा सुना भी नहीं होता है। पर अचानक किसी वीडियो पे जब कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, तो फिर उस प्रॉब्लम से, उस डेंजर जोन से पहली बार नए यूट्यूबर्स का जब सामना होता है, तो एक हड़कंप सा मच जाता है, क्योंकि फिर बाद में हम सोचने लगते हैं कि ये क्या हुआ अचानक, ये कौन है जो हमें वीडियोस बनाने से रोकता है। अब मेरी परेशानी में, मेरे प्रॉब्लम में ये हुआ कि मैंने एक म्यूज़िक चैनल से कुछ गानों का कंटेंट उठाया था। अब मैंने ये तो सुना था, थोड़ा बहुत मुझे मालूम था कि ऐसा चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि शायद मैंने टैग्स में उस कंपनी का नाम डाल दिया था, इसलिए उसे शायद एक दिन में पता चल गया। अब मैं इस बात को सही नहीं ठहरा था कि मैंने दूसरे कंपनी का जो कंटेंट लिया मेरे वीडियो में वो सही है, मैं इस बात को गलत ही मानता हूँ। और कुछ वीडियोस थे कि कैसे अपने चैनल को ग्रो किया जाए वगैरह वगैरह, बहुत सारे वीडियोस हैं ऐसे, और कुछ बड़े यूट्यूबर्स ने ऐसा भी करके रखा है, ऐसा भी समझाने की कोशिश बार बार करते हैं कि फलाना ढिमकाना शॉर्टकट्स हैं जिससे आपके व्यूज़ वगैरह बढ़ जाएंगे, जो यूट्यूब ने एक थ्रीशोल्ड बनाया है कि 1000 सब्सक्राइबर्स एक साल के अंदर और 4000 वॉच घंटों का वॉच टाइम उसी के साथ होना चाहिए, तभी आपका चैनल वगैरह मोनेटाइज होता है। तो उस लिए फिर यूट्यूबर्स जो नए होते हैं वो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करने पे शुरुआत में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन परेशानी ये होती है कि उन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता है। तो
अब देखिए, मेरा ये रॉकर शाफ्ट चैनल है, रॉकर शाफ्ट एंटरटेनमेंट, और कुछ 1 महीना भी नहीं हुआ है अभी तक। कुछ 9 या 10 वीडियोस हैं, ज़्यादा भी नहीं। और उसमें से कुछ ये जैसे चार्ली चैपलिन का ये एक, और ये एक हॉलीवुड की एक्शन फिल्म थी हिंदी डब, और कुछ फनी जोक्स वाले वीडियोस हैं। तो ऐसे कुछ वीडियोस वगैरह, कुछ ट्रेलर्स के वीडियोस थे, और कुछ मेरा खुद का कंटेंट था जैसे ये। तो कुछ ओरिजिनल भी वीडियोस थे। तो मैंने कुछ क्रिएटिव कॉमन्स में जाकर सर्च किया था, जिस पे वीडियोस फिर ये ऐसे चार्ली चैपलिन्स वगैरह के बनाए थे। तो वीडियोस बनाने में आप सबको मालूम है कि कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि छोटे यूट्यूबर्स हो या बड़े यूट्यूबर्स हो, अगर खुद से वन मैन शो की तरह काम करना है तो बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, घंटों बैठना पड़ता है, सब कुछ सीख लेना पड़ता है, वीडियो एडिटिंग करने से के साथ उसके पहले कंटेंट खोजना नए नए, और वक्त बचाने के लिए अगर आप या हम क्रिएटिव कॉमन्स में जाकर कुछ वीडियोस, मूवीज़ या ट्रेलर्स कॉपी करते हैं, तो वहीं नए यूट्यूबर्स फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं रहता कि जो कंटेंट हम क्रिएटिव कॉमन्स के ज़रिए उठा रहे हैं वो एक्चुअली सच में क्रिएटिव कॉमन्स रीयूज़ लाइसेंस का है या नहीं है। तो जो बात बाद में मुझे समझ में आया ज़रा खोजबीन करने के बाद, कि क्रिएटिव कॉमन्स के भी जो वीडियोस है, असल में वो खोजना बहुत मुश्किल होता है कि सही मायनों में वो क्रिएटिव कॉमन्स में है या दूसरे किसी ने, वो शख्स यूट्यूबर ने वो कॉपी करके गलत तरीके से क्रिएटिव कॉमन्स का लाइसेंस लेके अपना वीडियो वहाँ डाल दिया है यूट्यूब में। तो नए यूट्यूबर्स को इसकी जानकारी होती नहीं, फंस जाते हैं मेरे जैसे बेचारे। और क्रिएटिव कॉमन्स का है तो फ्री वीडियो है ऐसा समझ के हम लोग वो कॉपी कर लेते हैं, और फिर परेशानी ये होती है कि जिसका वो कंटेंट होता है उसको पता चल गया तो बस फिर नए यूट्यूबर्स की खैर नहीं, उसके कंटेंट तो फिर गया ही समझो, कंटेंट, मेहनत भी गई, वक्त भी गया, सब कुछ। मोनेटाइजेशन एनेबल होना तो बहुत दूर की बात है, वो तो होता ही नहीं। अभी देखिए, इस चैनल पे कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, कुछ ज़्यादा वीडियोस भी नहीं है अभी तक, क्योंकि नया चैनल है हमारा। ये कॉपीराइट स्ट्राइक जो फिर मेरे मामले में आई, वो एक मुझे भी मालूम नहीं था कि कोई नेपाल की कंपनी है, कोई म्यूज़िक कंपनी है, जिसका नाम भी मुझे कभी पता नहीं था। कॉपीराइट स्ट्राइक जब मैंने दूसरे दिन वीडियो लॉन्च करने के बाद दूसरे दिन देखी, तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ कॉपीराइट किसी नेपाली म्यूज़िक कंपनी, कुछ बुधा सुधा ऐसा कुछ म्यूज़िक कंपनी का नाम है। तो उस कंपनी ने इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी है। तो सबसे पहले तो मैं सकते में आ गया कि भाई ये क्या हुआ। फिर कुछ वीडियोस देखे कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे दूर की जाती है वगैरह वगैरह। तो
उसमें भी कुछ ज़्यादा पता चला नहीं, क्योंकि सब वीडियोस में ऐसा दिखाया जा रहा था कि अगर आपकी गलती है तो फिर कॉपीराइट स्ट्राइक हटने तक, मतलब 3 महीने तक वेट करना ही, इतना ही आपके हाथ में है। और दूसरे भी कोई, तब तक कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए इसकी भी आपको तब तक केयर करनी पड़ेगी। तो मेरे हाथ में अब शायद यही है कि 3 महीने तक कॉपीराइट स्ट्राइक हटने तक मैं वेट करता रहूं। और ये देखिए, मैं अभी आपको वो, ये देखिए, ये वो कॉपीराइट स्ट्राइक वाला वीडियो है 100%। ये कोई नेपाली सॉन्ग थे, कुछ अच्छे लगे मुझे, क्रिएटिव कॉमन्स में जाकर देखा तो वो मैंने कुछ 20 मिनट का वीडियो था, वो मैंने अपने इंट्रोज़ वगैरह आउट्रोज़ वगैरह डाल के अपने चैनल पे लॉन्च किया था। तो ये फिर दूसरे दिन कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। ये कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद ऐसा मुझे कुछ यूट्यूब का साइन दिखने लगा, दिस वीडियो इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम बाय बुधा सुब्बा म्यूजिक कंपनी, सॉरी अबाउट इट। अब आप ही सोचिए कि इससे मोरल एक नए यूट्यूबर का कितना डाउन हो सकता है। हम जैसे नए यूट्यूबर्स आगे बढ़े भी या नहीं, ऐसी ऐसी बड़ी कंपनियां अपने बड़े सब्सक्राइबर के बल पे यूट्यूब्स को अपने हिसाब से नियम बनाने को बोलती हैं। उनके हिसाब से फिर 4,000 वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर के बाद ही नए यूट्यूबर्स को अन मोनेटाइज करो, ऐसे और भी कितने लॉज हैं मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूट्यूब भी फेवर करता है हमें, ऐसा लगता नहीं मुझे। और नए यूट्यूबर्स को जितना दबा के रखना चाहे उतना ये बड़े यूट्यूबर्स, म्यूज़िक कंपनियाँ वगैरह कोशिश करती रहती है, ऐसा मेरा तो अभी मानना हो चुका है। तो इससे अब फिर भी मैं हारूंगा नहीं, अपनी मैं लड़ता रहूँगा अपना, इस अभी क्रिएटिव कॉमन्स में तो जाऊँगा नहीं कभी। अपना एक बात तो सीखी है कि जो कंटेंट देना है वो ओरिजिनली देना है, अब किसी दूसरे का कॉपी नहीं करना है। जो बाकी के यूट्यूबर्स हैं नए, उनको भी ये सीख है कि वो भी इस मामले को ज़रा, इस वीडियो को ज़रा देखे कैसे परेशान होता है नया यूट्यूबर, और कुछ सीखे कि गलत क्रिएटिव कॉमन्स में जाके भी जो आप वीडियो उठाते हैं वो सही मायनों में क्रिएटिव कॉमन्स का है या नहीं है, उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है नहीं आ सकती, ये सब जानने के बाद ही अगर लेना है तो ले, नहीं तो मेरे जैसे 3 महीने तक फंस सकते हैं। बस यही आपसे शेयर करना था। जो अभी ये जो रिट्रैक्ट्स वगैरह के फॉर्म्स है, उसमें तो मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं वेट करने वाला हूँ 3 महीने तक, और फिर देखूँगा कब कॉपीराइट स्ट्राइक हटती है। कुछ इन्होंने डेट्स दी है मुझे, ये देखिए यहाँ पे 12 अगस्त 2018 को ये कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम जो बुधा सुबह म्यूज़िक कंपनी ने लॉन्च किया है मेरे खिलाफ़, वो वीडियो टेकन डाउन किया है, वो ख़त्म होगा
तो 12 अगस्त 2018 तक मैं 15 अगस्त 2018 तक भी, उसके बाद ही मेरा इंडिपेंडेंस डे सही मायनों में होगा। एक्चुअली ये फर्स्ट कॉपीराइट स्ट्राइक है मेरे खिलाफ, तो उससे ज़्यादा मुझे कोई ज़्यादा तो सीखने का मौका मिला है कि ऐसा नहीं कि मैं वीडियोस अभी डाल नहीं सकता, मैं उसके बाद भी इस कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद भी वीडियोस डाल रहा हूँ। ऐसा 3 चांस हैं मेरे पास, 2 चांस अभी भी है मेरे पास, तो मैं करूँगा, वीडियोस डालता रहूँगा। आप भी देखते रहिए, सीखते रहिए गलतियों से, और छोटे यूट्यूबर्स से बड़े यूट्यूबर्स बनने के इस जर्नी में शामिल होइए, हम भी शामिल हैं, कारवा बनेगा। छोटे जैसे बड़े यूट्यूबर्स की एक लॉबी होती है, उनके पास कुछ बड़े कंपनीज के स्पॉन्सरशिप्स होती हैं ऐसा सुना है, मालूम नहीं, और उसके बिना पे वो यूट्यूबर्स यूट्यूब जो कंपनी है उसको भी अपने फेवर में कर लेते हैं, छोटे यूट्यूबर्स को दबाते हैं। तो इसका जवाब तो हमें छोटे यूट्यूबर्स को देना ही पड़ेगा, और वो सही कंटेंट्स, ओरिजिनल कंटेंट्स को लेकर अपने सब्सक्राइबर्स और जो वॉच टाइम वगैरह का लफड़ा है वो उसको सुधारने और जल्दी से जल्दी बड़े यूट्यूबर्स बनना है। यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सॉल्यूशन है इस कॉपीराइट स्ट्राइक्स वगैरह के लफड़े से बाहर निकलने का, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा कि बड़े यूट्यूबर्स को कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आई हो। शायद आई भी होगी, मालूम नहीं, लेकिन वो उस वक्त छोटे होंगे, छोटे यूट्यूबर्स होंगे। तो यही शेयर करना था यूट्यूब कम्युनिटी, खासकर छोटे यूट्यूबर्स आपके साथ, और ऑडियंस आपके साथ भी जो रेगुलर यूट्यूब्स देखती है, ज़रा हमारे छोटे यूट्यूब्स के चैनल्स को भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब्स कीजिए, और हमारा मोराल बना के रखिए। हमारे भी छोटे यूट्यूबर्स के भी कंटेंट्स अच्छे हो सकते हैं अगर आप देखें, इस वीडियोस को देखें। तो आज के लिए इतना ही, आपके साथ थोड़ा मन बात करके हल्का करना था, शेयर करके ये परेशानी तो कर दी। सो दिस इज़ माय प्रॉब्लम व्हाट आई शेयर्ड विथ यू, एंड नाउ देखते रहिए रॉकर शॉप फटाफट। एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जो 123 व्यूज़ के कुछ और 3 सब्सक्राइबर्स के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, देखते क्या होता है आगे। बने रहिए हमारे साथ। दिस इज़ स्वप्निल जादव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रॉकर शॉप फटाफट चैनल। गुड बाय।